हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, ये व्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है, रात के 3-4 बजे हो रहा है। तो जो मैं चिकन लेकर आया था वो बिरयानी बनाने लगे हैं। जिनने बनाने थे वो भाई अभी ड्यूटी से आए हैं, तो अभी उनके साथ मिलके बनाने लगा। मैं चिकन लाता हूँ फ्रिज से। ये चिकन रख रही थी, फ्रिज बंद करो। ये चिकन रखी हुई थी फ्रीज़र में, फ्रीज हो गई है। तो अभी गाइस हम लोग बिरयानी बनाते हैं, सामान वगैरह भाई सारा ले आए हैं। सॉरी गाइस, बिरयानी नहीं बनानी है, भाई ने बताया चिकन और आलू के साथ बनाने हैं, उस सालन बनाने हैं, बिरयानी नहीं बना रहे हम लोग। तो अभी बनाते हैं गाइस, सामान वगैरह भाई ले आए हैं। ये जब बनाएंगे फिर आपको दिखाएंगे किस तरह की बनती है। बनेगी तो अच्छे, क्योंकि भाई ने बनानी है और साथ मैं भी सीख लूँगा इंशाल्लाह, अगली बार मैं बनाऊँगा। गाइस सालन का मसाला वगैरह तैयार कर लिया, ये लहसुन और अदरक है, ये प्याज जला रहे हैं और वो आलू वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो अभी जल्दी से बनाते हैं सालन। गाइस चिकन वगैरह डाल दिया अंदर, अभी प्याज में चिकन डाल दिया, अभी फ्राई हो जाए और टमाटर वगैरह सब कुछ कट हो गया। सालन का मसाला वगैरह सारा तैयार हो गया है, सालन अभी रखा हुआ है ऊपर, तो अभी 5-10 मिनट तक इंशाल्लाह बन जाएगा सालन। तैयार हो जा, और मैं यहाँ बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ सालन कब बनेगा। किचन में बैठा हूँ, गाय सारे सो रहे हैं और हम लोग सिर्फ उठ के खाना बना रहे हैं, क्योंकि उस लड़के की ड्यूटी लेट थी, अभी उसको छुट्टी हुई, अभी आया था, तो अभी हम लोग खाना बनाना स्टार्ट हो गए थे। जैसे ही आया फिर मैं भी नींद से उठ गया, मैं बोला चलो खाना बनाए, बोलते चलो अभी खाना बना रहे हैं। बनता है तो फिर आपको दिखाते हैं किस तरह का बना है खाना, अच्छा बना है या नहीं। 10 मिनट्स लेटर उन्होंने सालन तो बना लिया, ये सालन बन के तैयार भी हो गया सालन। तो ये बंद करते हैं सालन। उन्होंने बनाया, उन्होंने बोला साथ किचन भी थोड़ा साफ कर लें, चूल्हा वगैरह मुकम्मल साफ किया, शेल्फ वगैरह साफ कर दी उन्होंने। 5 hours later गाइस खाना वगैरह बना के सो गया था मैं, वो लड़का भी सो गया था, तो अभी उठा हूँ, अभी नहाने लगा हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ, तो नहाते हैं अभी, फ्रेश वगैरह हो जाए। ये गाइस बिल्ली देख रहे हैं ना नीचे, ये और कपड़े मेरे ऊपर लटके हुए, जब भी मैं कपड़े लेने जाता हूँ बिल्ली मेरे मुझे काटने को पड़ती है, पता नहीं क्यों, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है बिल्ली से, जब भी मैं इसके पास जाता हूँ काटने को एकदम पड़ती है। गाइस अभी मैं कल की तरह वापस जा रहा हूँ रोटियाँ लेने, जो रूटीन है डेली, रोटियाँ लेकर आकर नाश्ता वगैरह करते हैं। ये खजूर का दरख्त है, गाइस देख रहे हो कितनी धूप है इधर, बहुत ज़्यादा धूप है। गाइस अभी मैंने दही और रोटी ले लिया, ये रोटी है साथ ही नीले शॉपर में दही है, जो जाके खाते हैं रोटी वगैरह अभी। तो गाइस अभी मैंने खाना वगैरह खा लिया अभी। तो गाइस अभी मुझे एक भाई ने सामान वगैरह देने आना था, मेरा कुछ सामान था उन भाई के पास, तो वो मुझे देने आना था, तो अभी उनकी कॉल आई है कि मैं भी सामान देने आने लगा हूँ। तो अभी मैं गाइस जल्दी से कपड़े अपने चेंज कर लूँ, मुँह हाथ वगैरह धो लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, तैयार हो जाऊँ। आज भी मैं तैयार हो गया हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, मुँह हाथ वगैरह धो लिया है, तो अभी भाई आने वाले हैं बस, मैं आखिर 5-10 मिनट तक शायद पहुँच जाए, 10-15 मिनट तक पहुँच जाएंगे, उनका मैसेज आया बस मैं पहुँचने वाला हूँ बस। ये मैं चीज़ें वगैरह अंदर रख लूँ, तौलिया वगैरह टावल वगैरह। गाइस अभी मैं तो तैयार हो गया, सामान वगैरह भी उठा लिया, थोड़ा बस कमरा भी साफ कर लिया, बिस्तर वगैरह सेट करिए। गाइस अभी मैं अली भाई का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था, आधा पौना घंटा हो गया वेट करते करते, लेकिन अभी उनकी मुझे कॉल आई है, वो कह रहे हैं मैं 10 मिनट तक बस पहुँचने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैं अपने शूज़ वगैरह पहन लूँ, बाहर जाता हूँ उनके उनसे मिलने, सामान वगैरह ले लूँ अपना उनसे। गाइस ये बूट बस पहन लिए, गाइस अभी बूट वगैरह पहन लिए, अभी मैं चलता हूँ बाहर, भाई को देखता हूँ कहाँ पहुँचे हैं। जिन भाई का बोल रहा था ये इस कंटेनर में आए, ये भाई हैं, ये पाकिस्तान से
पाकिस्तान से नहीं, तो अभी मिल गया सामान गाइस। भाई इस कंटेनर में आए थे जो सामने से जा रहे हैं, वो रुके भी नहीं, ना बैठे हैं, उनको कोई काम था, वो बोलते हैं बस जाऊंगा मैं जल्दी, वो चले गए। गाइस भाई होकर चले भी गए हैं, ये सामान वगैरह दे के गए हैं। मेरा कुछ सामान था उनके पास, तो ये सारा सामान देखेंगे, कपड़े वगैरह हैं इसमें और कुछ चीज़ें हैं, और ये भी सामान है कुछ, ये सारा भाई दे के गए हैं। उनको मैंने बहुत रोका, मैंने बोला पानी वगैरह पी जाओ, बैठे ही नहीं, चले गए एकदम। वो क्या है तो पता नहीं, उनको कोई काम है इस वजह से जल्दी चले गए थे, वो रुके ही नहीं, बैठे भी नहीं।